हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कार के बोनेट को कैसे खोले, कार का जो बोनेट होता है उसको कैसे खोले, उसका बटन कहां पर दिया रहता है, यह मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि बहुत सारे ड्राइवर भाइयों को पता भी नहीं है कि बोनेट क्या होता है और उसको कैसे खोलते हैं और किस लिए खोलते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी पूरी जानकारी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक गाड़ी में जो है ना, ड्राइवर सीट के जस्ट पास में ही रहता है बोनेट खोलने का स्विच। प्रत्येक गाड़ी में ड्राइवर सीट जहाँ पर रहता है वहीं पर रहता है, उसके जस्ट आगे रहता है। जहाँ पर एक्सेलेरेटर को हम प्रेस करते हैं ना, उसके जस्ट ऊपर रहता है। जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलेरेटर को प्रेस करते हैं, इसके जस्ट बगल में रहता है प्रत्येक गाड़ी में। एक गाड़ी में नहीं, पहले मैं गेट खोल देता हूँ, देखिए मैं आप लोग दिखाता हूँ। प्रत्येक गाड़ी में जो है ना, बोनेट खोलने का जो स्विच रहता है, बटन रहता है, वह यहीं पर रहता है। इसमें नहीं था, यह तो क्या बोलते हैं, लोडिंग गाड़ी है, लेकिन प्रत्येक गाड़ी में आपको यहीं पर मिलेगा। जिस तरह से अभी यहाँ पर है, देख सकते हैं, जो साइन दिया हुआ है, अच्छे से देखिए, बोनेट जो है ऊपर जो आगे रहता है वह है बोनेट, उसी को बोनेट बोलते हैं। इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींचते हैं, जैसे है यहाँ पर, इसको पीछे की तरफ खींचेंगे और जो कार होते हैं उसमें यहाँ पर दिया रहता है। यहाँ पर बुलेरो रहेगा, स्कॉर्पियो रहेगा तो यहाँ पर दिया रहता है, और किसी किसी में जो छोटा छोटा कार होता है उसमें यहाँ पर दिया रहता है। ऐसे जाता है आपको अंदर की तरफ, ऐसे लेकर ले जाना है ऐसे, और जैसे यहाँ पर ऐसे डिजाइन की तरफ बना रहता है, और इसको करिए, ऐसे खींचिए, खुल जाएगा। इसको क्या करते हैं, हम आपको खोल के दिखाते हैं। इसको हम खींचेंगे पीछे की तरफ तो आवाज़ भी करेगा थोड़ा, देखिए थोड़ा आवाज़ किया, खुल गया बोनेट। और बोनेट होता क्या है, सो देखिए, बोनेट होता है यह आगे का जो है छतरी, यहाँ से यहाँ वाला जो व्हाइट वाला छतरी है वही बोनेट है। चलिए मैं आप लोगों को उतर कर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यही जो दिखाई दे रहा है व्हाइट पट्टी का, यही है बोनेट, और इसी को मुझे खोलना है, इसको ऊपर की तरफ उठाना है। तो देखिए यहाँ पर दिया रहता है लॉक, जैसे कि मैंने वहां से खोला है, तो यहाँ पर छोटा सा लॉक दिया रहता है, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसको प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ, तो देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ और उठेगा, देखिए उठ रहा है, देखिए। और यही रहता है इंजन को बनाने के लिए, यहीं पर दिया रहता है। अब कुछ भी गड़बड़ी होता है तो इसको उठाकर बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर लॉक दिया हुआ है, तो देखिए यही है इंजन, पूरा का पूरा खजाना आगे ही रहता है बोनेट के जस्ट नीचे। और यह जो है देख सकते हैं, इसमें वाटर रखा जाता है जो वाइपर के लिए रहता है सो, और यही पूरा इंजन है, बैटरी है वहाँ पर, अगर कुछ भी गड़बड़ी होता है तो बैटरी रखा जाता है। और यहाँ पर दिया हुआ है इसको लॉक लगाने के लिए, ऊपर खड़ा करने के लिए, जैसे अभी हम हाथ से पकड़े हुए हैं, लेकिन इसको हम उठा रहे हैं, ऊपर फंसा रहे हैं, देखिए इसको बोनेट को हम फंसा दिए। और यहाँ पर हो गया है यह पूरा का पूरा खड़ा हो गया। तो देखिए दोस्तों, यह तो खड़ा, लेकिन इसको क्या करना है, अब मुझे गिराना है। तो वहां से पहले लॉक को तो आप लगा दीजिए, फंसा दीजिए जहां पर था वहां पर, और इसको एकदम धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ लेकर आना है, जोर से ऊपर से नहीं छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे लेकर आना है। और नजदीक में आ जाए ना, थोड़ा जोर से छोड़ना है, देखिए नजदीक में आ गया है, इसको थोड़ा जोर से छोड़ेंगे और लॉक हो गया। तो दोस्तों, बोनेट का जो खोला जाता है बिल्कुल इसी तरह से खोला जाता है, जिस तरह से मैं अभी आप लोगों को बताया। और यही नियम और यही स्विच प्रत्येक गाड़ी में आप लोगों को एक्सेलेरेटर के पास में मिलेगा, प्रत्येक गाड़ी में, ऐसा कोई गाड़ी नहीं है जिसमें नहीं है, क्योंकि प्रत्येक गाड़ी में आप लोगों को वहीं पर मिलेगा जहां पर मैंने आप लोगों को बताया है। और जिस तरह से मैं आप लोगों को उठाकर दिखाया हूँ ना, जहां से मैं लॉक लगाया हूँ, फंसाया हूँ, उसको खड़ा किया हूँ, जैसे मैं उठाकर उन्हें दिया रहता था, डंडा दिया रहता था, वह उससे को क्या करते हैं, फंसा देना है। और उसमें जो है आगे जो है पूरा का पूरा इंजन रहता है, और उसमें जो गड़बड़ी होता है तो इंजन ही बनता है, आगे ही बनता है। तो बोनेट को उसी तरह से उठाया जाता है, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।